अगर आप SBI योनो यूज करते हैं या आपने SBI बैंक खाते में इंटरनेट बैंकिंग की सेवा शुरू करवा रखी है तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि इंटरनेट बैंकिंग में यूजर एक्सेस क्या और कितने प्रकार का होता है तथा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किस प्रकार आप यूजर एक्सेस को अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं। SBI योनो या इंटरनेट बैंकिंग में यूजर एक्सेस तीन तरह का होता है। व्यू ओनली में आप सिर्फ अपने बैंक खाते की जानकारी देख सकते हैं, किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। लिमिटेड ट्रांजेक्शन में आप अपने ही किसी दूसरे SBI बैंक खाते में या अपने लोन अकाउंट में या अपने RDA खाते में पैसे भेज सकते हैं, यानी आप अपनी सिर्फ यूजर अकाउंट वाले यूजर ID वाले बैंक खाते में ही पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। फुल ट्रांजेक्शन में आप कैश निकालने के अलावा संपूर्ण बैंकिंग सेवा का उपयोग अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं सिस्टम स्क्रीन पर और जानते हैं कि किस प्रकार आप इन यूजर एक्सेस को अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको SBI इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आपको लॉगिन कर लेना है या फिर आप अपने योनो एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर SBI नेट बैंकिंग के माध्यम से बताने वाला हूँ। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये जो रिक्वेस्ट जो होती हैं ये आपके सामने इस तरह से आ जाते हैं, और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ ऑप्शन मिलता है अपग्रेड और डाउनग्रेड एक्सेस लेवल, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आपके यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, पहला होता है अपग्रेड एक्सेस लेवल और दूसरा होता है डाउनग्रेड एक्सेस लेवल। जैसे कि आपके पास सिर्फ यहाँ पे देखेंगे, अगर व्यू ओनली एक्सेस लेवल हो, आप उसको फुल ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तो आपके जो अकाउंट नंबर शो होते हैं इन अकाउंट नंबर के आगे एक जो बटन शो होता है इस पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेवें, उसके बाद में यहाँ से आपको ट्रांजेक्शन में फुल ट्रांजेक्शन राइट्स को सिलेक्ट कर लेना है, और ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपके मोबाइल के ऊपर, रजिस्टर्ड मोबाइल के ऊपर एक OTP आता है, वह OTP आपको यहाँ पे दर्ज करना है और उसके बाद में आपको कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करना है, और उसके बाद में आपके सामने ये आता है कि योर रिक्वेस्ट फॉर अपग्रेडेशन ऑफ राइट्स फॉर द अकाउंट सिलेक्टेड बाय यू हैव बीन एक्सेप्टेड, यानी आपकी जो रिक्वेस्ट है ये एक्सेप्ट हो चुकी है। साथ ही ये भी लिखा कि इट मे टेक 1 आवर टू एक्टिवेट सेम इन आवर रिकॉर्ड्स, यानी हमारे रिकॉर्ड में इसको एक्टिवेट होने में 1 घंटे का समय लग सकता है, तो आप कम से कम 1 घंटे का इंतजार जरूर करें। और यदि आपका अकाउंट पहले से अपग्रेडेड है तो आप जब रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अपग्रेडेड और डाउनग्रेड एक्सेस लेवल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आएगा, जहाँ पे अपग्रेड एक्सेस लेवल के अंदर लिखा आएगा कि यू डू नॉट हैव एनी अकाउंट टू अपग्रेड द एक्सेस लेवल, यानी आपके पास कोई ऐसा अकाउंट नहीं है जिसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको डाउनग्रेड कर सकते हैं, मतलब आप अपनी फुल ट्रांजेक्शन लिमिट को लिमिटेड या फिर व्यू ओनली कर सकते हैं। इसके लिए आपको डाउनग्रेड एक्सेस लेवल पे क्लिक करना होगा। डाउनग्रेड एक्सेस लेवल पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये ऑप्शन नजर आते हैं, जहां पर आपके ये अकाउंट नंबर नजर आएंगे और आपके करंट एक्सेस लेवल है वो यहाँ पे नजर आएगा, फुल ट्रांजेक्शन ओनली ये लिखा हुआ है। आप इसको चाहें तो आप इसको लिमिटेड ट्रांजेक्शन राइट्स कर सकते हैं और व्यू ओनली कर सकते हैं। जैसे कि आपको व्यू ओनली करना है, आप नहीं चाहते हैं कोई ट्रांजेक्शन करना, सिर्फ देखना चाहते हैं तो ये चुनें, और अब जब आप चाहते हैं कि आप अपने सिर्फ अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं तो इसके लिए आपको ये चुनना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं व्यू ओनली करके आपको बता देता हूँ, उसके बाद में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है, लेकिन इससे पहले आपको ये जो अकाउंट होता है इसको जरूर सेलेक्ट कर लेना है। ये आपको सेलेक्ट करने के बाद ही यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद में आपके मोबाइल के ऊपर एक OTP आएगा, आप OTP यहाँ पे दर्ज करेंगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है ये सक्सेसफुली यहाँ पे हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रिक्वेस्ट मेरी पहले से डाली हुई है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आपकी अकाउंट को डाउनग्रेड करने की जो रिक्वेस्ट है ये पहले से है। आप इसको चेक कर सकते हैं और कुछ समय का इंतजार कर सकते हैं, लगभग 24 से 48 घंटे का समय लगता है, उसके बाद में आपकी रिक्वेस्ट जो होती है ये कंप्लीट हो जाती है।